अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और पैचअप का सिलसिला तो बॉलीवुड में लगा ही रहता है। अब आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही ले लीजिए। एक तरफ तो ये अपने रिश्ते को कबूलने से कतराते आए हैं, तो वहीं हर दूसरे इवेंट पर ये दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब सिद्धार्थ ने किसी इवेंट पर ये कह दिया कि वो सिंगल हैं, तो फिर सुर्खियों का बनना तो लाजमी है। सिद्धार्थ ने एक के बाद ऐसे कई मौकों पर ये कहा कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। इस बात से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनका और आलिया का ब्रेकअप हो गया है। इन्होंने अपने रिश्ते की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ लिया है। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार आलिया और सिद्धार्थ ने एक दिवाली पार्टी पर मिलकर अपने बीच की दूरियों को खत्म कर दिया। इसी के साथ बताया गया कि आलिया और सिद्धार्थ एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इसलिए बीती बातों को भुलाकर उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया है। इसका मतलब एक बार फिर पापराजी इस प्रेम जोड़े को साथ में स्पॉट कर सकेगा। बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी से लौटते समय जब आलिया को सिद्धार्थ की टी शर्ट पहने देखा गया, तभी ही ये बात साफ होने लगी कि इस कपल में अब कोई झगड़ा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।